अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं हया शेख। इनको आपने टिकटॉक पे देखा होगा, इनको आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इनको आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इनको पहचान ना पाएं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? सो इसकी वजह ये है कि ये जब भी कैमरे के सामने आती हैं तो ये एक अलग ही चेहरे में होती हैं। थोड़े कन्फ्यूज़ हैं आप, अभी आपको सब पता चल जाएगा। सो हया, सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सो आप जो फेसेस बनाती हैं, आप जो फेसेस क्रिएट करती हैं मेकअप के थ्रू, मुख्तलिफ चेहरे आप बनाती हैं, इवन के मैंने देखा है आप, मतलब आप फीमेल हो के मेल के फेसेस भी बनाते हैं और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? इनफैक्ट मैं मेकअप इंडस्ट्री में फ्रॉम पास्ट 18 ईयर्स से हूँ। अच्छा। और मैं बॉलीवुड से ही बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ से ही आई हूँ। अच्छा। तो दुबई में खैर मुझे 20-22 साल हो गए, लेकिन टिकटॉक ने मुझे खैर एक अपनी पहचान दिखाई है यूएई में। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय फैंस एंड फॉलोवर्स कि एक यू नो नाम मिल गया, एक टैग मिल गया कि नहीं कहाँ पे भी जाओ तो आपको यू नो पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग यू, दे नो यू। और इससे मेरा इन शॉर्ट मेरा बिजनेस भी मेकअप का ही है, रिलेटेड टू मेकअप क्लासेस एंड ऑल। तो आप अपने काम के जरिए अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर रही हैं साथ साथ। गुड आइडिया, गुड आइडिया। लेकिन जब आपने ये बनाना शुरू किया शुरू में, देखिए सबसे मुश्किल काम होता है जब आप कोई नई चीज क्रिएट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें माइंड में होती हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ होता है, कुछ ये होता है कि लोग क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। सो जब आपने, एक तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहला चेहरा आपने बनाया किसका, और दूसरा ये बताइए कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या था। सबसे पहला चेहरा मैंने बनाया था कॉमेडी, कपिल शो का जो कॉमेडी शो है उसमें एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है गुत्ती। ओके। जो सुनील ग्रोवर का नाम है, सुनील ग्रोवर, तो उनका बनाया था एंड इट वाज अ वेरी फनी एंड अ कॉमिक है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को कॉमिक ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल। तो उस वीडियो से मुझे इतना रिस्पॉन्स और प्यार मिला है, तो आई शुड से आई थॉट लाइक यू नो मुझे इसी को करना चाहिए। देखिए ना, कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली ये एक रेमेडी है, आपकी स्ट्रेस को रिलीज करता है। अच्छा, बाद का आप लोग सोचते होंगे कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने थोड़ी देर कोई शो देखा और मेरा सर दर्द दूर हो गया, तो ये क्या दवाई है? बिल्कुल ये दवाई है, ये एक रेमेडी है। जब आप हंसते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। और आपने एक बहुत ही अच्छा जो चुना ये एक तरीका आगे आने के लिए। अच्छा, ये तो बात होगी कि आपने पहला फेस वो बनाया, तो लोगों का उस पर रिस्पॉन्स फिर किस तरह से आया, किस तरह का? इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला एंड बहुत अप्रिशिएशन मिला उस फेस को लेके। इनफैक्ट इट्स नॉट ईजी, ऐसे आप, मैं ब्राइडल मेकअप करूँ तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर जैसे फर्ज करो मैंने आपका फेस देखा, जी आपका फेस मेरे गैलरी में सेफ रहेगा एंड आई विल स्टडी योर फेस एंड इट टेक्स मिनिमम मैक्सिमम 6 to 7 hours टू क्रिएट योर फेस ऑन माई फेस। क्या बात है। हाँ, फिर फेस बनाने के बाद मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करूँगी, लाइक आपका स्टाइल क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो वैसे मैं यू नो मिमिक्री करती हूँ, तो दैट हेल्प्स फेस को ज़्यादा यू नो हेल्प करता है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी करो, उनकी मिमिक्री करो। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने फेसिस किए बहुत सारे क्रिएट किए, मैंने भी देखे खुद टिकटॉक पर, कौन सा ऐसा फेस आपने बनाया जिस पर आपको सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली कि यार क्या बात है, क्या काम किया है? एक्चुअली दो ऐसे हैं, मैं एक नहीं बोल सकती। एक है इंडिया की मशहूर सिंगर लता जी, उस पर मुझे बहुत तारीफ मिली और अच्छा। बहुत अप्रिसिएशन। और सेकंड है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जिनकी मैं डाई हार्ट फैन हूँ, उस पे ज्यादा। अच्छा, एक बात मैं भी जो है ना मानना चाहूंगा कि आपका फेस मैंने भी वही देखा था। मैं और इन फैक्ट मैंने लगभग अब तक 190 अबाव फेस बनाए, 190 अबाव, लेकिन सबसे टफ मुझे इमरान खान जी का ही लगा, क्योंकि वो ऐसा लग रहा कि वो डिमांड में थे, वो फेस बहुत डिमांड में था एंड इट वाज लाइक चैलेंजिंग फॉर मी एंड इट टुक मोर देन 8 hours टू क्रिएट just a face. Oh my god, 8 hours to create one face and you believe 190 plus ye kar chuki hain. ji to ab aap tiktok par to zabardast aapka jo chal raha hai,
तो YouTube पर जो है आप इसको परस्यू क्यों नहीं करें, YouTube पे परस्यू करें बकायदा तौर। मैं तो बल्कि आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके बकायदा ट्यूटोरियल बनाएं और लोगों को सिखाएं कि ये भी एक आर्ट है, ये भी एक फन है। इनफैक्ट मेरे क्लासेस चलते हैं, मैं मेकअप की क्लासेस देती हूँ, तो मैं मॉर्निंग 8 से लेकर मेरे 6 बजे तक ये क्लासेस रहते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप यू नो सोशल मीडिया पे आओ। मुझे टिकटॉक पे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं उसी को देती हूँ, बट आई कैन नॉट, लाइक मेरे माशाल्लाह टीनेजर बच्चे हैं तो मुझे उनको भी तवज्जो देना है, फैमिली है, तो मैं इतना यू नो मीडिया के लिए नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। हाँ, ये आप, ये थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ है, थोड़ा आपने अपने बारे में भी बताइए कि आप जब दुबई आई तो क्या आप मैरिड थी या आप यहाँ आके फिर उसके बाद आपने शादी की? नहीं, मैंने यहाँ आके मैंने शादी किया है और दैट्स इट, हैप्पी लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी लाइफ चल रही है आपकी, जबरदस्त माशाल्लाह से। सो अब ये जो आप फेसेस क्रिएट कर रही हैं, ये आप इसको, मैं तो आपको कहूंगा कि हर एक का अगर आप फोटो भी बनाएं और आप उसको फ्रेम करें और आप उसको भी मार्केट करें तो मैं कहता हूं उसकी भी आपकी जो लाखों की सेल हो सकती है। मुझे आप यकीन नहीं करें, मुझे इनफैक्ट ऑफर आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं मुझे कि यू नो दे आर रेडी टू पे मी, यस दे आर रेडी टू पे मी टू क्रिएट देयर फेस, वाओ, एंड जस्ट यू नो कि सोशल मीडिया पे आप मत डालो, आप मुझे सेंड करें, दे आर रेडी टू पे, बट इतना नहीं टाइम आप दे पाते, इतना टाइम नहीं दे पाते। जबरदस्त हो गया, बहुत हया से अगर हम बातें करते रहें तो भाई आप पूरी रात भी गुजार सकते हैं। इनकी लाइफ के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो बहुत टाइम तक हम इनसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप उनसे ये जरूर बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खास तौर पे फीमेल ऑडियंस के साथ शेयर करें कि वो देखकर जाने कि ये भी हो सकता है। सो गाइस, जो भी लेडीज खवातीन ये वीडियो देख रही है, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। हाँ, आपके अंदर भी टैलेंट है, उसे यू नो ट्राई टू सर्च विद इन यू, ट्राई टू ग्रूम अप। ऐसे ही नहीं कि हम उसी दायरे में नहीं रहेंगे, और मेरा ये मानना है हर एक के पास कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर है, बट यू नीड टू पॉलिश दैट, यू नीड टू कम आउट। थैंक यू सो मच हया आने के लिए, थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए, और ये देखें 2 लाख हमारी मुलाकात हुई। और मैं सोचता था कि मैं कभी जाऊं, मैं यार ये लड़की कितनी टैलेंटेड है, मैं इससे जाके मिलूं, मैं इसका इंटरव्यू करूं, लेकिन मौका नहीं मिला। आज कुदरत ने हमें एक ऐसे इवेंट में मिला दिया और हमारा इंटरव्यू हो गया। बहुत शुक्रिया दोस्तों हमें देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।